दोस्तों बिकिनी का इन्वेंशन और बिकिनी का नाम कैसे पड़ा, बिकिनी क्या आपको पता है? चलो बताता हूँ। बिकिनी की शुरुआत से पहले महिलाओं के स्विमवियर में आमतौर पर अधिक मामूली और कवरिंग डिजाइन शामिल होते थे, जैसे वन पीस बाथिंग सूट और हाई वेस्ट शॉर्ट्स। दूसरी ओर बिकिनी एक टू पीस स्विम सूट थी जिसमें अधिक त्वचा दिखाई देती थी, जिसमें शामिल थे मध्य भाग और नाभि। आधुनिक बिकिनी के आविष्कार का श्रेय फ्रांसीसी इंजीनियर लुईस रेड को जाता है। उन्होंने बाजार में अधिक साहसी और आकर्षक स्विम सूट डिजाइन की कमी देखी। 1946 में रेड ने पेरिस के एक लोकप्रिय स्विमिंग पूल पिसिन मोलिटर में बिकिनी की शुरुआत की। रेड ने बिकिनी एटोल, जो प्रशांत महासागर में एक सुदूर द्वीप है, के नाम पर स्विम सूट का नाम बिकिनी रखा। बिकिनी एटोल को इसी नाम के लिए चुना गया था क्योंकि बिकिनी के आविष्कार से कुछ समय पहले यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परमाणु परीक्षण का स्थल था। रेड का मानना कि परमाणु परीक्षणों के विस्फोटक प्रभाव ने फैशन की दुनिया पर बिकिनी के प्रभाव को प्रतिबिंबित किया। बिकिनी के शुरुआती डिजाइनों में ब्रा जैसे टॉप और ब्रीफ स्टाइल बॉटम्स के साथ न्यूनतम मात्रा में कपड़े शामिल थे। यह उस समय के रूढ़िवादी स्विमवियर से एक क्रांतिकारी बदलाव था जो महिलाओं के शरीर को अधिक ढकता था।